क्या करके कान पकड़ के उठक बैठक कराने का रास्ता है? जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार बोलते हैं और जो लोग, मैंने अंजना जी आपको बोला था, ये है गपोड़ी, इनको गप्पे मारनी है। नहीं, आप ऐसे क्यों भड़क गए मेरे भाई? आप ऐसे भड़क लगे हैं आप जिला को प्रमोट करने में, तो बड़े। आज की इस वीडियो में बात बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की करते हैं। यूं तो संबित हर दिन किसी न किसी मीडिया डिबेट में दिखी जाते हैं और विपक्ष को घेरते भी हैं, पर आज उनकी वह डिबेट देखेंगे जिनमें संबित को विपक्षी नेताओं ने घेरा हो। न्यूज 18 पर एक डिबेट में संबित ने अपने जवाबों में डिबेट में मौजूद गेस्ट शोएब जमाई का जिक्र कर अपनी बात कही, जिस पर शोएब जमाई ने आपत्ति जाहिर की और संबित पात्रा को टोका, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। बताइए, आप बाबर के साथ आए थे या कन्वर्टेड हुए थे बाद में? ये तो बता दीजिए। खानदान पे आएंगे तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ ना। मैं तो बिल्कुल खानदान पे बताता हूँ भैया, हम तो इसी मिट्टी के हैं, हम तो कन्वर्टेड भी नहीं हुए। अंग्रेज जग रहा हूँ आपको, अंग्रेज तो सोनिया गांधी है, जिसके पास आप जाके भीख मांगते रहते हैं वो है अंग्रेज। आप बताओ, आप बाबर के खानदान पे हो या कन्वर्टेड हुए हो? आप मुझे बैठा हुआ हूँ, अभी आपको खड़ा करने का वक्त आ गया है। खड़ा करके कान पकड़ के उठक बैठक कराने का वक्त आया है। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार बोलते हैं और जो लोग मुर्दाबाद बोलो, अरे तुम बोलो बाबर मुर्दाबाद, मैं तो अभी बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे मैं तो बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, तुम बोल के दिखाओ औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलो बाजी करते हैं उनके साथ में गले नहीं लगता, समझ लीजिए। आज तक पर इंडिया पाकिस्तान के मैच पर हुई डिबेट में अनुराग भदौरिया ने बीजेपी सरकार की आलोचना करनी शुरू की तो संबित भी बीच में बोलने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। था कि जो लोग पाकिस्तान के फेवर में फटाके फोड़ रहे थे उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, मगर जिन लोगों ने राष्ट्र की टोटी चुराई थी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मगर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाओगे अनुराग जी तो आप भी जेल चले। मैंने अंजना जी आपको बोला था, ये है गपोड़ी, इनको गप्पे मारनी है, मैंने तो टोटी का ना गप्पे मारनी है, कुछ भी गप्पे मारो। सवाल हो रहा है कि रोने पे महिलाओं पे तेजाब पे भारत माता की बोल रहे हो, भारत माता का चीरण करेंगे। नहीं, मैं अपनी बात कर लूँगा, आप गपोड़ी भाई की चिंता मत करिए। ये कह रहे हैं कि मैं देश का वकील हूँ, देश के ऐसे वकील है, देश के ऐसे वकील हैं कि देश की माँ जिसको भारत माता बोला जाता है, देश की बहन की आबरू लुटती रहती है, ये वकील चुप हो जाते हैं, गप एकदम गप करके घर में कोने में घुस जाते हैं। जब यहाँ भारत की बेटी के साथ अन्याय होता है, तब आपकी वकालत कहाँ करेंगे? जब वकालत आपकी माता की वकालत का प्रयोग किया जाए, जब यहाँ पे 800 किसानों को ये भारत माता की इज्जत लूटे क्या होता है? यूपी चुनाव के मुद्दे पर न्यूज 18 पर हुई डिबेट में AIMIM नेता असीम वकार ने अपने जवाब में संबित पात्रा से सवाल किया और सरकार की आलोचना करनी शुरू की तो संबित पात्रा ने उन्हें टोकना शुरू किया, जिस पर असीम वकार ने संबित की क्लास लगा दी। संबित पात्रा जी से कह रहा हूं कि जिना हकीकत में नफरत के पात्र हैं, क्योंकि जिना का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत को भारत के बंटवारे के लिए आएगा। पात्रा जी से कह रहा हूं, पात्रा जी चैनल पर ऐलान कीजिए मेरे साथ कि गो एयर का बहिष्कार, ब्रिटेनिया का बहिष्कार, बॉम्बे डाइंग का बहिष्कार, क्योंकि ये जिन्ना के खानदानियों का है। आज जो ओवैसी जी है ना, वो नियो जिन्ना बनने में लगे हुए हैं। जिन्ना ने जो किया था आज ओवैसी, तो आपको जिन्ना से इतना प्यार क्यों है? इस देश का भी अगर जिन्ना साहब, आप तो बड़े धैर्य पूर्वक सुनने वाले लोगों में से आप ऐसे तड़प क्यों रहे हैं? जिन्ना को पसंद नहीं करते आप? अरे अरे, हमारे साथ नहीं, आप ऐसे क्यों भड़क गए मेरे भाई? आप ऐसे भड़क लगे हुए आप जिन्ना को प्रमोट करने में? ये तो बड़े धैर्य पूर्ण व्यक्ति थे, जिन्ना के नवासों को, ऊपर नवासों को। अच्छा, ये नीचे आग लगी हुई है, आपने भी आप नीचे आग लगा रखी है, गर्मी हो गई इनकी। अरे भाई साहब, मैं तो आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, आप क्यों चिल्लाते रहते हैं बीच में? शांति से क्यों? वो तो दिख रहा है, सारे व्यूअर समझ गए कि आप कितने पानी में। आज तक पर पेगासस स्पाइवेयर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जब एंकर के सवाल का जवाब देने लगी तो संबित पात्रा ने बीच में ही टोक दिया, जिसके बाद प्रवक्ता ने संबित पात्रा की क्लास लगा दी। ये जग्गा जासूस, आज जासूस जासूस चिल्ला रहे, कोई जासूसी नहीं हुई है, खुद जिस कंपनी ने सिंगल फ्रेम में लेकर बात करने दी थे। अरे राहुल गांधी को सिंगल फ्रेम में ले लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़िए इनको, राहुल गांधी को सिंगल फ्रेम में लाइए। अरे रागिनी जी, आप तो अच्छी अच्छी प्रवक्ता है, ये राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में ले आने से भी कुछ नहीं होगा। अरे राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में ले आइए तो भी कुछ नहीं होगा। अरे राहुल गांधी को भी सिंगल फ्रेम में लाइए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का फ्रेम ही टूट गया है और तुम्हारी जासूसी टांगे कांप रही है, और यही कारण है राहुल गांधी से टांगे कांप रही है। पेगासस, पेगासस, ये असली पेगासस तो यही है, कांग्रेस पार्टी पेगासस। और माफिया का सरगना मोदी आखिर स्नूपिंग क्यों कर रहे थे? एक महिला की गुजरात में अमित शाह जी को बोलते रहिए, वो अमित शाह जी ने आपको जो पानी पिलाया है।
पिला पिला के भगाया है ना, आप उनको कितनी भी गाली दे दो उससे कुछ नहीं होना है। आपको संबित की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब रोटी के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.